हेलो एवरीवन। तो आज आ गए भाई हम मुंबई में, और मुंबई के समुद्र के किनारे भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। और ये आ गया भाई टोल, और ये हमने टोल को क्रॉस कर दिया है, और टोल क्रॉस करने के बाद मैं चले जा रहे आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, जैसे मुकेश अम्बानी का घर और नीता अम्बानी का घर, ऐसे बहुत सारे सीन दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक है। वैसे देखा जाए तो मुंबई काफ़ी स्वच्छ और क्लीन शहर है, काफ़ी अच्छा है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस सुंदरता को देखकर, और आपको भी अच्छा लगेगा। और जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से जाने का रास्ता अलग है और आने का रास्ता अलग है, तो इस प्रकार से कुछ बनाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ देख पाते हैं इस वीडियो में। ओके, और आपको बता दें कि हमारे साथ जो टूरिस्ट हैं, यानी कि टूरिस्ट को गाइड करने वाले बैठे हुए हैं, तो वो बताते रहेंगे आपको कि क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, तो आप उनकी बातें सुनेंगे। ओके, तो गाइस देख पा रहे हैं जैसा कि आप, ये हैं मुंबई की सड़कें, कितनी अच्छी लग रही हैं यहाँ से देखने में, और हम रियल में देख पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और आई होप आपको भी अच्छी लग रही हैं। आपको अगर ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखते रहिए इस वीडियो को, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और हाँ, आपको एक बार बता दें कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कहीं भी कोई भी बिल्डिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, और कुछ भी ना कुछ आपको देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। देखो ये रोड आ गया, और ये भाई साहब ड्राइवर हैं और ये गाड़ी चला रहे हैं हमारे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो लोग वो प्रोजेक्टर से सब दिखाते हैं कि ये सूरज है, ये चांद है, ये हमारा धरती है, ये ऐसा इसके पीछे ऐसा घूमता है, वैसा घूमता है, वो देखने को मजा आता है। लेकिन उसके लिए आधा दिन चाहिए, कैसा मस्त बनाया है। पुलिस पिक्चर में जब लगा था तब ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना, वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल भी अभी आएगा। तो भाई ये देखिए, ये है मुकेश अम्बानी की अंटालिया, और आप देख पा रहे हैं ये 15,000 करोड़ रुपए की है, और काफ़ी लागत लगी है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी है, साइड में से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी, काफ़ी अच्छी दिख रही है, और काफ़ी अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, अब तक की ज़्यादा महंगी अंटालिया की है। और गाइस ये आ गए हम सिग्नल पर, और सिग्नल पर हम रुके हुए हैं क्योंकि अभी रास्ता क्लियर नहीं है, अभी हो जाएगा। अगर मेरा तरफ से अगर लेके गया, मेरे गाड़ी लेके जा सकते, मेरे गाड़ी में रिपेयर्स लगे हैं, गलत काम करना ही मैं अपने को पूछ के जाना है, परमिशन लेके जाना है। ये गिरगांव चौपाटी है, ये गिरगांव चौपाटी बोलते हैं, बड़े बड़े जो कभी पकड़ रहे कभी छोड़ नहीं हो रहा, थोड़ा सर पे हवा भी लगेगा ना तो अच्छा लगता है, अभी ठंडा ही हो रहा है, पकड़ रहे छोड़ रहे हो मोबाइल पकड़। अभी बांटो ना सबको पीछे से दे दिया हो, और एक है ना वो फिर सब एक नहीं लेंगे, हमें तो भैया ले लेंगे। मुंबई मार्केट की तरफ जाएं तो जाम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए ट्रैफिक लग जाता है। और देख पा रहे हैं सिग्नल पर अभी टाइम है, तो ठीक है इंतजार करते हैं, और हो गया क्लीन हो गया, चलिए चलते हैं आगे की ओर। फैशन स्ट्रीट अभी तो चालू है, खुल रहे हैं भाई जी, फैशन स्ट्रीट देख लो, बॉम्बे का फैशन स्ट्रीट। अभी ये इधर आगे से टर्न लेके आगे तक है, ये BSNL बॉम्बे का अभी लेफ्ट साइड में है ना, वो देखो स्टॉक एक्सचेंज दिखाई दे रहा है आपको, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें हर्षद मेहता नहीं है ना, स्कैम 92 उसके बोलने में। अच्छा, और अभी भाई जी बोला भाई एकदम रईसों का पार्सियल, बॉम्बे म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन का है ये बिल्डिंग, ये वाला इधर सब बड़ी बड़ी बैंकें की ब्रांच है, ये कोलाबा में है ना, सब बड़ी बड़ी
वीडियो भी बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट शेयर बाजार जो ब्रिटिश लोग के टाइम में बांधा था ना वो ये ताज है ये आतंकवादी घुसा था ना ये आतंकवादी ये ताज में घुसे थे अच्छा आतंकवादी क्या और गाइस ये देखिए मुंबई का ताज होटल यानी कि न्यू ताज होटल जो कि पहले से और ज़्यादा लग्जरी है और ज़्यादा बड़ा है काफ़ी अमेजिंग लग रहा है सुंदर देख पा रहे हैं जैसा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा इसमें देखकर और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से इतना मौसम है यार और देखिए इतना अच्छा है और गाइस ये है गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये है समुद्र के किनारे काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारी नाव हैं और काफ़ी सारी नाव चलती रहती हैं यहाँ पर ऑल टाइम चलती रहती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पर पर्यटक वगैरह और बहुत सारे लोग आते रहते हैं अभी आएगा अभी आएगा वानखेड़े अच्छा क्रिकेट स्टेडियम हाँ वानखेड़े ये चर्च गेट आ गया मेन चर्च गेट आ गया वेस्टर्न लाइन का लास्ट स्टॉप वो बड़ोड़ा होके ऐसा कोटा होके निकल जाती है ये देखो आजाद मैदान देखा इधर इधर सब क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं इधर टूर्नामेंट चालू रहती है ये मंत्रालय मुंबई का और ये हम ट्रैफिक में रुके हुए हैं जैसा कि ट्रैफिक यहाँ पर लगा हुआ है और ट्रैफिक खुलते ही हम यहाँ से निकलते हैं और आगे चल के देखते हैं क्या होता है आगे सैटरडे को नाइट आउट करने को आते हैं सैटरडे संडे सब चलने का एरिया सब इधर बैठते हैं देखो ये पिंस नेकलेस आप घुमाओ देखो भाई ये ऐसा जो घुमा हुआ है ना इसकी लाइटें चमकती है ना तो ऐसा लगता है कि किसी का हार चमक रहा है किसी का हार चमक रहा सही बोल रहे रात में हां रात में ये वानखेड़े स्टेडियम आगे आ रहे वो देखो ऊपर लाइट दिखती है ना वानखेड़े स्टेडियम का देखो फ्लड लाइट दिख रही है अच्छा फ्लड लाइट देखिए देखिए स्टेडियम का है समुद्र के किनारे हां समुद्र के किनारे सामने बराबर ये वानखेड़े और ये ब्रेब्रोन स्टेडियम है ब्रेब्रोन स्टेडियम आज का ये पीछे गया ओके इधर भी बहुत सारी मैचेस होते हैं ये स्टेडियम ये सैटेलाइट है वो ऊपर जो दिख रही है समंदर में देखो मुंबई इंडियंस का चले जाए प्यार के अंदर क्या धूप खोल के तो आए नहीं रात को आएगा सब और सब इधर फोटू ले यहाँ से अच्छा सीन आ रहा सर फोटू मकान फोटू और मकान सर जी ये वाला जो बंगला है ये कितने करोड़ का होगा समझे 450 करोड़ के बंगले ना बैटरी लो हो गई है तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करना होगा चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है टेक केयर बाय बाय।